पंडित रामफेर पांडे जी हृदय का ये चयन था और आदरणीय दीक्षित योम राघवपुर मानव सत्संग समिति के आग्रह से आदरणीय पांडे जी कल मंच पर आएंगे, ये सूचना हम सभी लोगों को मिली है। तो जोरदार इस सुखद न्यूज के लिए आप लोग ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने कई जिलों में अध्यात्म के मंच खड़े किए हैं और हम जैसे लोगों को तैयार किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज श्री ऐसे परम विभूति के शिष्य हैं जिनसे दीक्षा प्राप्त की है अयोध्या से, पूरे विश्व में उनके शिष्य हैं। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन है श्री राम हर्षण दास जी के आप अनन्य भक्त एवं शिष्य हैं। कहा जाता है कि वो सीता जी को बहिन मान करके उपासना करते थे और जब भाव में आते थे तो कटोरी में आंसू भर जाते थे। ये अयोध्या में प्रसिद्ध है, इतने सिद्ध संत के आप यूं कहें दीक्षा प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली शिष्य हैं। तो हमारे पिताजी के भी बहुत अच्छे संबंध रहे और उन पर उन्होंने अष्टक लिखा है जो दूर्वा पत्रिका में और सास्वती ग्रंथ में छपा हुआ है। और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो हमारे घर में पिताजी रो रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या, तो उन्होंने एक वाक्य कहा और जोर से रोने लगे कि भारत का एक बहुत बड़ा महापुरुष आज ब्रह्मलीन हो गया, ऐसे परम सत्य के तो शिष्य हैं मधुर जी। और एक बात बताऊं, ये ऐसे मंच पर बैठे हैं जो हम लोगों के गुरु हैं। स्कंद पुराण में कहा गया कि गुरु से ज्यादा महत्ता किसी की भी नहीं है, परमात्मा की भी नहीं है। न गुरो रधिकम न गुरो रधिकम न गुरो रधिकम न गुरो रधिकम शिव शासन ता शिव शासन ता शिव शासन ता शिव शासन ता। और आपने जो मधुर नाम जिस विभूत ने आपको दिया हो, निश्चित रूप से वो मधुरता आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकती है, या यूं कहूं कि कूट कूट करके भरी है। और आप आनंद कंद यशोदानंद लीलाधारी मुरारी ब्रजरथ बिहारी भगवान बनवारी के भी अनन्य पुजारी हैं। भारत वर्ष के प्रतिष्ठित मंच पर आप श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, ये मुझे जानकारी है। और राम कथा भी भ्रमण करके कहते हैं, कभी गोरखपुर में है, कभी बस्ती में है, कभी पंजाब में है, कभी हरियाणा में है। ये सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए उमा चंद्रिका महारानी के आपकी कृपा थी कि तिथियां रिक्त थी और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो ऐसे विभूति हम लोगों को मिले। और लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको आशीर्वाद उड़ेल दिया, अपने जीवन की सारी मधुरता आपने भर दी। और मुझे तो याद आता है मधुराष्टक कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम
रामचंद्रवान की। अब आप लोग जैसे कि मैंने कहा